का न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हमारा 22 चल रहा था, इसके हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल इसमें 56 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो भी हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कलाकारी के मूल्यांकन में एक उपचारात्मक तत्व है। शिक्षक को काम के लिए ग्रेड देना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के काम का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। अच्छा या बुरा का निर्णय नहीं होना चाहिए। तो कलाकार के मूल्यांकन का एक उपचारात्मक तत्व है कि बच्चा अच्छा बनाए या बुरा, उसे हमें और मोटिवेट करना है कि वो अच्छा काम करे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है, मूल्यांकन तो होना चाहिए, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। कला शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ है कई क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना और उन क्षेत्रों को इंगित करना है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। बच्चों को ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ये नहीं बताना है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है वो बताना है। कला किसी व्यक्ति के विचार की अभिव्यक्ति अर्थात या केवल दृष्टिकोण की बात है, इसलिए इसमें अच्छे या बुरे का कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और उनमें नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। आई बात समझ में? कला में जो बच्चे ड्राइंग करते हैं उसमें एक उनकी सोच होती है, अगर हम उस चीज़ को अच्छा या बुरा बोलेंगे तो उनका जो सोच है उस पर भावनाओं को ठेस उसके पहुंचेगी, इसलिए हमें यहाँ पर अच्छे बुरा का निर्णय नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, वास्तविक जीवन के निकट स्थितियाँ प्रदर्शित करना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संभव है? प्रोग्राम लर्निंग, प्रयोग, इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, उद्दीपक, अधिगम। तो वास्तविक जीवन के निकट स्थितियां प्रदर्शित करना जो है आपका उद्दीपक अधिगम के माध्यम से संभव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर, उद्दीपक अनुभव। इसका हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे, ये तो राइट आंसर आपका इस ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, मूल्यांकन किस डोमेन के तहत ज्ञान का उच्चतम स्तर है? संज्ञानात्मक डोमेन, स्किल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। तो यहाँ संज्ञानात्मक डोमेन। चाहते हैं छात्रों के लाभ के लिए एक शिक्षक इस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक शिक्षक की रुचि का आकलन करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माता पिता से मिलने के लिए चित्रण करने के लिए उपलब्ध प्रोफाइल में उपयुक्त ग्रेड प्रदान करने के लिए छात्रों को उनकी कमजोरी के बारे में पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 54 का वो है ऑप्शन ए। एक छात्र की रुचि का आकलन करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक शिक्षक शिक्षार्थियों की रुचियों का आकलन करने व उनके लाभों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करता है। नंबर क्वेश्चन, डैश एक शिक्षक को उद्देश्य कक्षा प्रबंधन एवं मूल्यांकन रणनीतियों में दक्षता प्रदान प्राप्त करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, मानव विज्ञान विश्लेषण, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शास्त्रीय विश्लेषण। इसमें एक शिक्षक को उद्देश्य कक्षा प्रबंधन एवं मूल्यांकन रणनीतियों में दक्षता प्राप्त करने की सहायता करता है। शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ है एक शिक्षक के दृष्टिकोण से उसके प्रभावी संचालन के लिए पाठचर्या का तार्किक व व्यवस्थित विभाजन है। नेक्स्ट, 56 का क्वेश्चन हमारा लास्ट है।
मंडूरा आत्म प्रभावकारिता के अनुसार मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित है? तो इसके आपको चार स्रोत बता चुके थे, पिछला अनुभव, विचित्र अनुभव, सामाजिक अनुनय और शारीरिक अवस्था। तो पहला है आत्म प्रभावकारी मूल्यांकन भी विचित्र अनुभव से प्रभावित होता है। दूसरा कथन है ज्ञान का सबसे प्रभावशाली स्रोत वास्तविक प्रदर्शन है। आपको बताना इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि आपको बताया था बंडूरा के अनुसार जो है आत्म प्रभावकारिता में मूल्यांकन के चार स्तर हैं, तो उन चारों में से नहीं है ये, इसमें से कोई भी। ठीक है, चार स्तर आपको बता चुके, पिछला अनुभव, विचित्र अनुभव, सामाजिक अनुनय और शारीरिक अवस्था। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन भी आपको सारे अच्छे लगे होंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।